हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और गुलाब के ऊपर है, और गुलाब के जो मैंने आपसे वादा किया था फीड में दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये नाइट्रेट की कुछ फीडिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये फीडिंग उन लोगों के लिए है जो चारों तरफ से ये त्रस हो चुके हैं और जो परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फीड आपके पास अलग से मैं कुछ भी नहीं खरीदवाऊँगा ना कुछ भी बताऊँगा। जो भी आपके घर पे जो ऑलरेडी फीड है उसी को मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ है। जो हमारे बैकएंड टीम है, जो हमारी टीम लगातार हम लोग आपस में डिस्कस करके, जो दो तीन लोग हैं हमारे जो इंडिया से बाहर रहते हैं, कुछ फ्रेंड इंडिया में हैं, उनसे मैं डिस्कस किया हूँ वो सारी चीज़ें। उसके बाद से ये फीड को मैं डिजाइन करके लाया हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है कि होगा, और एक एक चीज़ को आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये समझ में आ पाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फीडिंग में आपको क्या देने वाला हूँ, क्या क्या रिज़ल्ट है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, जो एक गार्डनर के लिए सबसे बड़ी समस्या होता है कि सब कुछ करता है फिर भी उसका प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करता है। वो चारों तरफ वीडियोज़ देखता है और चारों तरफ वो चीज़ करने की कोशिश करता है कि कैसे हमारा प्लांट्स ब्लूमिंग हो, उसको मार्गदर्शन जो है नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसके लिए वो इंसान जो है भटकता रहता है। तो ये बेसल्स के सूट्स आप ये देख सकते हैं। तो चलिए, मैं फीडिंग में आपको बताना चाहता हूँ और फीडिंग डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 3 महीने के जो एवब प्लांट हो चुके हैं ये उसके लिए फीड है फ्रेंड। दूसरी चीज़, मिट्टी के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये मिट्टी के लिए फीड है, लेकिन ये 10 दिन का मैं एक शेड्यूल आपको लिखवाने जा रहा हूँ। और ये बहुत चीज़ ऐसे हैं जो आपके घर में पड़े होंगे, आप लोग दे के पक गए हैं, वही चीज़ है फ्रेंड्स। देने का तरीका आपका मेरा खुद का है, मैंने खुद पे इस पे वर्किंग किया है। और पूरा मैं पहले अपडेट दिखा दूँ, ये 2 महीने का जो प्लांट का जो अपडेट है वो इसी फीडिंग से किया। सारे लोग बहुत बेचैन थे कि सर आप क्या दे रहे हैं, कि आपके प्लांट का भी कुछ रंग रह रहा है, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, कभी पत्ते का कलर कुछ और बदल जा रहा है, तो सब लोग बेचैन थे। तो मैं कहा रहा था आपसे बार बार कि एक मैं फीड बताऊंगा नाइट्रेट के फीड, ये फीड एक और फीड आने वाली है हमारे पास, 4-5 फीडिंग होगी। फ़िलहाल में जो आपके घर से है वो फीड को मैं आपको बता करके, उस चीज़ को आप 2-3 महीने ट्रायल कीजिएगा। वो फीड विंटर में मैं लेकर के आऊँगा, मैं भी हो सकता है कि पहले दूँ। जो मिक्स फूड है वो रूट के लिए आएगी और इसके लिए है। एक एक फीड ऐसा है जो 52-34-50-13-40-13-19-19 के कॉमन सबके घर पे ये फीड होता है। उसी फीड को जो है मैं एक अपना डिज़ाइन किया हूँ। मैं 2 महीने से वर्किंग कर रहा था, 2 महीने का ये अपडेट ये था कि बेसल सूट्स, हर एक चीज़, हर एक नोड, एक एक चीज़ जो है ये इस तरह से प्लांट हमारे बने। और यही नतीजा है कि ये फीड को मैं पब्लिकली करने के लिए सोचा हूँ और मैं आज पब्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले दिन आपको जो है, आप ये उत्कर्ष कंपनी का रूट मल्टीप्लायर, फ्रेंड्स ये रूट मल्टीप्लायर जो था, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक फाइल में यूज़ करता हूँ, 1 लीटर का मैं लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहले दिन रूट मल्टीप्लायर उत्कर्ष कंपनी का आप देंगे 3 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद आप शाम को 12 XR देंगे 2 ग्राम। डोज ध्यान से रखिएगा, पहला दिन का ये शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। मैं एक विकल्प भी आपके साथ दूंगा, नहीं रहेगा तो क्या करना है। ये सिंडर मीडिया के लिए है, प्लांट 3 महीने का ऊपर हो जाएगा उसके लिए है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास रूट मल्टीप्लायर नहीं है तो पहला दिन आप 12 XR ही देंगे, मिट्टी हो, सिंडर हो, कोकोपीट हो, कुछ भी हो। दूसरे दिन आपको क्या करना है, NPK 0050 2 ग्राम देंगे, ठीक, ये दूसरे दिन का शेड्यूल है। तीसरे दिन का शेड्यूल है 13-40-13 2 ग्राम, ठीक। शाम मॉर्निंग में ये देंगे पहला, शाम को ड्रिंच करेंगे बायोबीटा, सीवीड, कुछ भी आपके पास हो, 2 ml पर लीटर के हिसाब से, 7-6 बजे जब भी टाइम मिले ऑफिस से आए तब देंगे, ये तीसरा दिन का शेड्यूल है। चौथा दिन हम क्या करेंगे, चौथा दिन आपको 19-19-19 या 20-20-20 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मॉर्निंग में आपको दे देना है, ड्रिंच करना है, स्प्रे कुछ भी नहीं करना है। पांचवें दिन आपको क्या करना है, सबसे मुख्य रोल इसी का है फ्रेंड्स। आज तक मेरे को भी यही पता था कि ये लोग जितने ये लोग उल्लू बनाते हैं, जितना हम लोग को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये लोग इस फार्मूला पे बनाते हैं। प्लांट के लिए, गुलाब के लिए सबसे तगड़ा चीज़ ये है,
इसी का सबसे अहम रोल है, खासकर इस बारिश के सीजन में। ये कैल्शियम नाइट्रेट 3 ग्राम देंगे। इसका ग्राम फ्रेंड्स, ये कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा है कि ऐसे गुमराह किया जाता है लोगों को, मत देना नहीं तो प्लांट जल जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 7 से 8 ग्राम तक कैल्शियम नाइट्रेट फ्रेंड्स गुलाब के लिए दिया जा सकता है। ये स्टडी में है, ये प्रैक्टिकली है और मैं कर चुका हूँ। लेकिन आप 3 ग्राम देंगे पर लीटर के हिसाब से, उसके साथ 1 ग्राम आपको बोरोन लेना है, ठीक, प्लस आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट 3 ग्राम लेंगे 5वें दिन, और आपको बोरोन लेना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। दूसरा चीज़ ह्यूमिक एसिड लेंगे 5 ग्राम। ये फार्मूला खुद का मेरा किया हुआ है फ्रेंड, जो आप ये चमक देख रहे हैं ना, आज तक लोग जो परेशान थे, मैं चमक पे बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, किसी का चमक उतना नहीं आएगा इस प्लांट में। सारे लोगों को बुद्धि ख़त्म हो चुका है, अब लोग कह रहे हैं यूरिया डाल रहे हो, यूरिया करते करते ये लोग नाइट्रोजन पे आए हैं। उन लोगों को 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनको ये नहीं पता है अगर मैं नाइट्रेट दूंगा तो ये कलर ऐसे होगा, ये कलर ऐसे होता है नाइट्रेट दूंगा तो, अगर मैं यूरिया दूंगा तो उसका कलर जो होता है यहाँ पे ऐसे आएगा, ये यूरिया का कलर है। अगर मैं यूरिया दूंगा तो ये पत्ती का कलर ऐसे है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर मैं ह्यूमिक एसिड दूंगा, ह्यूमिक एसिड, तो उसका कलर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक। अगर मैं कोई माइक्रो न्यूट्रंस दूंगा तो उसका कलर ऐसे आएगा। तो इन लोगों को 25 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे प्लांट दे देख के लोग छाती पीट रहे हैं कि भाई ये कर कैसे रहा है, प्लांट रॉकेट की तरह कैसे बढ़ रहा है। रॉकेट की तरह प्लांट बढ़ाने के लिए यही फार्मूला है। मैं कुछ भी अलग से नहीं खरीदवाऊँगा, 1 रुपया आपको नुकसान नहीं होने दूँगा। ये हमारी चैलेंज और हमारी गारंटी है। और प्लांट मैं खुद अपने पर रिसर्च किया हूँ। एक बात और है, यहाँ पर मैं आपको रोकूँगा आपको, और जो लोग हमारे YouTube देख रहे हैं, इस कंटेंट को कृपया करके कॉपी ना करें। इंडिया में फूल खिलाना है, सबके घर में फूल होना चाहिए। ये लोग को फूल नहीं खिलाना है, ये लोग को राजनीति करना है। ये लोग को अगर वास्तव में गुलाब से प्रेम रहता तो ये लोग इंडिया में पूरा 100-100 फूल एक एक घर में खिलाते ये लोग। ये होती है फ्रेंड्स, इन लोग को तो, इन लोग को अपना रोटी चमकाना है पहला चीज़, और दूसरी चीज़ कि ये लोग को बस उल्लू बनाना है, फीड बेचना है, प्रचार करना है, यही करेंगे ये लोग। ये सब सारी बातें मैं खुद जानबूझ के करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके जो आँख में, मेरे आँख में जो धूल झोंका जा रहा है सिंडर मीडिया के नाम पे, लैब ग्रेड के नाम पे, ये सब चीज़ वही हो रहे हैं। लैब ग्रेड आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ है, अगर मैं उसमें प्लांट आपको बनवा दूँ तो फिर कैसा रहेगा। आज मैं इन लोगों के पीछे में 2 साल में भागा, ये लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आज के डेट में वो मुझे अनब्लॉक कर करके ये लोग हम मेरा प्लांट देखते हैं, और इतनी ये लोग मार्केट में मेरा नाम और प्रचार कर दिए हैं। ये 2 दिन का आया हुआ लड़का ये कैसे कर ले रहा है, ये लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं ये कर कैसे रहा है। तो ये सब सारी फ्रेंड्स बातें जो है आहत है, ये चीज़ को मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी के तहत मुझे करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक है। और 6ठे दिन आपको जो देना है वो 13045 2 ग्राम के हिसाब से हम देंगे। 7वें दिन आपको क्या देना है, 7वें दिन मैग्नीशियम नाइट्रेट 2 ग्राम, और शाम के समय में 2 ml पर लीटर आपके पास सुपर सोनाटा हो, एक जोरस हो, या कोई भी PGR हो आपके जो घर में पड़ा है, वो आपको ड्रिंच करना है, देना है। स्प्रे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 8वें दिन आपको फंगिसाइड 2 ग्राम पर लीटर सुबह में आपको जड़ में ड्रिंच करना है, शाम को माइटिसाइड पेस्टिसाइड 2 ml पर लीटर शाम के समय में स्प्रे लगाना है। 9वां दिन आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड आपको स्प्रे करना है, और 7 बजे शाम को माइक्रो न्यूट्रंस स्प्रे करना है। अब मुख्य रोल जो है फ्रेंड्स 10वें दिन का है। 10वें दिन बारिश के मौसम में आपको सल्फ्यूरिक एसिड, अगर बारिश हो रहा हो तब इस चीज़ को प्रयोग बिल्कुल ना करें। मैं इस चीज़ को आपको मैं पूरा बताऊंगा फीड में कब कब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी बताऊंगा। आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो देना है वो आपको 1 ml 10 लीटर पानी में सल्फ्यूरिक एसिड सुबह के समय आपको ड्रिंच करना है। 7 बजे शाम को बायोबीटा एक्स जो है वो ड्रिंच करना है। अगर बायोबीटा नहीं है आपके पास 13-40-13 ड्रिंच करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करना है। और एक
अलग की जो बातें हैं, जो मैं अध्ययन किया हूँ, जो वो किया हूँ, आपको ये 10 दिन का शेड्यूल मैंने बता दिया। अब आपको 10 दिन के बाद 11 दिन 12 दिन छोड़ करके 13वां दिन आपको अमोनियम सल्फेट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पौधे में ड्रिंच करना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट। आप ये कहेंगे ये सब तो मैं पहले से देता हूँ, क्या ये मजाक कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये मजाक नहीं है। जो चीज़ है उसी में आपको करना है। उससे बेहतर प्लांट शायद हमको नहीं लगता है कि इतने अच्छे हो पाएंगे। आज तक ये शूट्स आप देख सकते हैं और ये लाल लाल जो बेसल्स आप देख सकते हैं, ये इसी का तरह जो पेड़ हो रहे हैं ना, इसी फीड से मैं दे रहा हूँ। सब लोग बेचैन थे, जो हमको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, वो हमारे पीछे बहुत ज़्यादा वो मतलब लगे हुए हैं। ये सब कुछ से हार गए हैं तो कि आप यूरिया दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, DAP दे रहे हैं, वो लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हम कर क्या रहे हैं। अब सब कुछ से ये हारे हैं तो इंडिया में जो चीज़ वैन है, जिस पे गवर्नमेंट रोक लगाई है, जो है अब बोल रहे हैं कि वो दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ भी मैं नहीं देता हूँ, जो है सीक्रेट वही है। ये पूरा स्टेप में इस पर वर्किंग किया हूँ, एक एक शेड्यूल में लिखा हूँ। ये हम सेम ये 3 महीने का प्लांट पे है। अब मैं चलिए आपको फिर से इसी शेड्यूल को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होगा। वीडियो लंबी होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लांट आपका इतने महीनों से, इतने सालों से जो आप भटक रहे थे, उस चीज़ के लिए है। पहले दिन हम रूट मल्टीप्लायर से क्या करेंगे, 12x7 से रूट ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं रूट मल्टीप्लायर हार्मोन्स पड़ने की वजह से जो इसका जो रूट होगा बहुत अच्छा तैयार होगा। जितना रूट तैयार होगा उतना ही शूट्स अच्छे अच्छे निकलेंगे, ये फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, दूसरा दिन जो मैंने दिया है 0050, वो देने से क्या होगा, कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा जो पड़ेगा, तो ये जो ब्लाइंक सूट वगैरह होता है, जो यहाँ पे फूल आते हैं, जो फूल नहीं आते हैं, ऐसे फूल आना चालू होगा, लेकिन फूल को आपको तोड़ देना है। तीसरे दिन जो मैंने दिया है वो नाइट्रेट दिया है 13-40-13, ठीक, बेस फोलियर का। उसके बाद शाम को ड्रिंच करना है बायोबीटा एक्स। ये चीज़ से क्या होगा, आपके प्लांट में नाइट्रोजन मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर जो है आपका 12x7 मिल रहा है, जड़ पर काम हो गया, फ्लावरिंग पे काम हो गया, यहाँ पे रूट पे प्लस शूट्स पे प्लस कई सारे एंजाइम पढ़ने को, जैसे ये जो चीज़ें हैं ये पूर्ति करेगा। चौथा दिन जो 19-19 बैलेंस NPK हम लोग देंगे, उससे आपका प्लांट गज्जिन होगा, बड़ा होगा और बूसी भी बनेगा और लिप्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओवर ऑन ग्रोथ यहाँ पे 3 चीज़ ये मेकअप कर ले रहा है। फिर चौथा दिन मैं दे चुका हूँ, 5वां दिन मैं क्या करूँगा, कैल्शियम नाइट्रेट जैसे मैं दूँगा, बोरोन दूँगा, ह्यूमिक एसिड दूँगा, पत्ती का टेक्स्चर, कलर, हर एक चीज़ बदलेगा। और ये लोग क्या करते हैं, सल्फेट के साथ अमोनिया मत डालो, तो ये मत करो, वो मत करो, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पनीर की सब्ज़ी खाते हैं तो उसके साथ कभी पापड़ भी अच्छा लगता है, पौधे को सेम वही चीज़ अच्छा लगता है। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, खुद मैंने इस पर वर्किंग किया हूँ कि मैं इस चीज़ को दे दे के इसके साथ ये दूँ, इसके साथ ये दूँ। जब ये मिजाज बदला तब जा करके आज मैं आपसे इतने महीने बाद ये चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम नाइट्रेट पड़ गया, यहाँ पर नाइट्रेट पड़ गया, और 13045 अगर मैं 6ठा दिन भी नाइट्रेट दूँगा इस मौसम में, तो आपका प्लांट बहुत तगड़ा ये आपका बेसल की तरफ जाएगा, शूट्स निकालेगा, यहाँ पे स्टेम भी मोटा करेगा। और दूसरी चीज़, मैग्नीशियम नाइट्रेट अगर मैं ड्रिंच करूँगा, यहाँ भी नाइट्रेट, यहाँ भी नाइट्रेट और यहाँ भी नाइट्रेट होने को जैसे सुपर सोनाटा, ये आपका ये रिज़ल्ट आएगा। फ्रेंड्स, ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट आएगा। फंगिसाइड से क्या होगा, सबको पता है, फंगिसाइड मेटिसाइड से आपके प्लांट को रक्षा भी करेगा। ठीक, 9वां दिन ह्यूमिक एसिड दे दूंगा, उससे पौधे में बहुत अच्छे चमक आएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे लगा देंगे, उससे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी उसको भी दूर कर देंगे। 11 कंपनी का फ्रेंड्स ये आता है, वो कुछ नाइट्रो कुछ करके आता है, 80-90 रुपये किलो मिल जाएंगे, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन और उसमें पड़ा हुआ है, तो वो और अच्छा काम करेगा। 5वें नंबर वाला मुख्य रोल उसी का है। 10वें दिन क्या करेंगे, जो भी इस नाइट्रेट सी, जो भी ये चीज़ का आपका सॉल्ट जमा होगा, उससे सल्फ्यूरिक एसिड हटाने का काम करेगा। ठीक, प्लस शाम को जो भी बैक्टीरिया अगर मर रहे हैं उसको डीकम्पोजर का पानी दे देंगे 10वां दिन, या तो आपको सीबीड दे देंगे। ये फ़ायदा फ्रेंड्स होने वाला है। और नहीं है आपके पास कुछ भी, 13-40-13, 13-40-13 भी हम ड्रिंच कर देंगे, इससे क्या होगा, फिर पौधा अपना ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा। और अमोनियम सल्फेट जो है 13 नंबर का, जो 13वां दिन देना है आपको, इसका मुख्य रोल क्या है मैं बता दूँ। ये क्या करेगा, आपके प्लांट को
जो भी ये खाना दिया रहेगा, जो भी जमा होगा, ये अमोनियम सल्फेट क्या करेगा, इस प्लांट को 3 दिन के अंदर खींच करके पौधे के अंदर दे देगा। इससे आपका क्या होगा, प्लांट में जो भी फीडिंग ओवर पड़े हुए हैं वो चीज़ नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स सारी चीज़ें थी जो मैं अगले 2 महीने से किया हूँ, और आप चीज़ जो भी ये थक चुके होंगे और फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा, बहुत मेहनत लगा है, बहुत मैं भटका हूँ, बहुत मैं आंसू भी मुझे बहुत आए हैं, जो इन लोगों ने जो मेरे साथ मतलब कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भड़ास है जो मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ लेकिन नहीं निकाल रहा हूँ। और फ्रेंड्स इतना मेरा अच्छा प्लांट हो रहा है तो ये मैं उछल और कूद नहीं रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा हमारे जो हैं इस चैनल पे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका मुझे भला करना है। और मैं किसी सर का, किसी रोजारियन का बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी के मैं दुकान नहीं बंद कराने वाला हूँ। जो मैं वर्किंग किया हूँ आज पूरी दिल से पब्लिकली कर रहा हूँ उस चीज़ को। और हमारे वो चीज़ नहीं है कि ये लोग सीक्रेट अगर रख लेंगे और बताएंगे नहीं, सब लोग बोलेंगे कि सर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे क्या दे रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फ्रेंड्स आज इनके चमक देख करके इनके होश उड़े हुए हैं कि हमारे हमको जिन्होंने लात मारकर निकाल दिया है वो लड़का कैसे ऐसे कर ले रहा है, कौन सी संजीवनी हाथ में लगी है। अब बात आती है फ्रेंड्स संजीवनी की। संजीवनी मेरे 2 हाथ में लगे हुए हैं जो मैं अभी तक छुपा कर रखा हूँ, सबको पता है संजीवनी क्या है। फ्रेंड्स सबसे बड़ा चीज़ संजीवनी, पहला नंबर 1, जब तक आप डरोगे कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट दे दूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो संजीवनी फ्रेंड्स मेरे हाथ में यही है कि डर अपने मन से निकालिए और किसी के बात सुने बिना अपने प्लांट कीजिए। दूसरा चीज़ ये क्या होता है कि हम लोग, एक लड़का क्या करता है, गुलाब लेके आता है, वो बेचारा इस दलदल में नहीं पड़ना चाहता है। गुलाब इतनी गंदी राजनीति है पूरे इंडिया में कि आप सोचते होंगे जितना अच्छा ये फूल है, फूल के बोल रहा हूँ, ये लोग को गुलाब नहीं उगाना है, ये लोग को किंग बनना है, ये लोग को मालिक बनना है। और हमारे ऐसे लड़कों को, हमारे ऐसे बुज़ुर्ग को इन लोगों को लपेटना है, बस फीड खरीदवाना है और ये करना है वो करना है, मुझे वो चीज़ नहीं करना है। आज जब से मैं इन लोगों का साथ छोड़ा हूँ तब से मेरा प्लांट अच्छा होने लगा। ये लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे हर एक जगह से मेरे बदनामी कर दिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर फालतू कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन लोग का तेल लगाने वाला चीज़ जो है ना इनकी, वो बंद कीजिए। आप लोग अच्छे से गुलाब उगाइए। आज मैं 5 ग्राम फीड देता हूँ, इतने से छोटे से प्लांट में मेरा प्लांट एक भी बार नहीं बर्न हुआ है, कहीं से नहीं बर्न हुआ होगा। सूट्स पे सूट्स दे करके इन लोग का होश खड़ा हो चुका है कि अरे भाई ये डाल क्या रहा है, ये कलर कैसे बदल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे इतना सूट्स फेंक रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारी सीक्रेट थी जो मैं आपसे शेयर कर दिया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप लोग आत्मविश्वास को अपने बनाइए और इन लोगों को तेल पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी धीरे धीरे जो भी मैं होऊंगा मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा, क्या है क्या नहीं है। जो आज था ये सब बात करना मुझे बहुत ज़रूरी था। आपको उम्मीद है कि, और एक चीज़ और है कि फ्रेंड्स ये इंडिया है, मैं 2-3 बार एक ही शब्द को रिपीट कर देता हूँ, इसकी वजह से मेरी वीडियो भी लंबी हो जाती है। और ये चीज़ को फ्रेंड्स आप लोग मिस मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए आप लोग। अब आते हैं बात मिट्टी के लिए। फ्रेंड्स ये जितना मैंने फीड आपको बताया मिट्टी के लिए, बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं जो सेंडर मीडिया में अचीव नहीं कर पाते हैं, अचीव तो सेंडर मीडिया में भी नहीं करता हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा ही लोग कर ही दिए कि क्या करते, तो सेंडर में खरीद चुका हूँ नहीं तो मैं मिट्टी में ही करता। फ्रेंड्स जो भी ये फीड मैंने 2 ग्राम का है, आप देख रहे होंगे 1-1 ग्राम मैंने कोई नहीं दिया, सब 2 ग्राम दिया हूँ, कोई प्लांट नहीं मरेगा, कोई कुछ नहीं होगा। 3 महीने के ऊपर प्लांट है, 2 ग्राम आप दीजिए। डर अपने मन से निकालिए, दिल से दीजिए। लेकिन हाँ रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका प्लांट बर्न होता है थोड़ा बहुत, फीड को रोक दीजिएगा। और ये ऐसा फीड है, सिंगल फीड है, कुछ भी नहीं होगा इसमें हार्मोन्स भी हैं, बैक्टीरिया भी है, और इसमें नाइट्रेट भी है और कैल्शियम भी है, जिंक भी है। मैं ये ओवरऑल ग्रोथ प्लांट को आपको लेके जाएगा। और जहाँ तक रहा मिक्स फूड की सवाल, जो भी चैनल से देख के आप लोग मंगाते हैं, एक तो आप लोग गलती मत किया कीजिए, वैसा प्लांट आपका होने वाला नहीं है उन लोगों का मिक्स फूड खरीद करके। आप अपने हाथ से बना लीजिए, सर का फीड है, जो भी हो, जिनको जो विश्वास हो विश्वास के साथ कीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और दूसरी चीज़ है मिट्टी के लिए, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मिट्टी के लिए आपको क्या करना है, इस फीड को आपको 1 से 2 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके इस फीड को लागू करेंगे, ठीक है। 1 ग्राम इसको कर देंगे, जहाँ जहाँ 2 ग्राम है वहाँ पे 1 ग्राम कर देंगे, 1 ml कर देंगे,
ये मिट्टी के लिए है फ्रेंड्स। कोकोपीट के लिए जहाँ तक बात है तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, कोकोपीट के लिए मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनका प्लांट मारना नहीं चाहता, मुझे पाप नहीं बिटोरना है। लेकिन आप ये कर सकते हैं 12-61 एक दिन दे सकते हैं, एक दिन 13-40-13 दे सकते हैं, एक दिन आप 19-19 दे सकते हैं, एक दिन 13-0-45 दे सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन के गैप पर आप लोग दीजिएगा। अब चूँकि ये सब सारी फ्रेंड्स चीज़ें थी, और दूसरी फ्रेंड्स ये थी कि इसको कब तक देना है, तो फ्रेंड्स इसको 2 महीने आप लोग दीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। अपने दिल पे हाथ रखिए और विश्वास के साथ ऊपर वाले का प्रभु का नाम लेकर के आप इस चीज़ को लागू कीजिए। मैंने कोई ऐसा फीड अलग से नहीं खरीदवाया हूँ। अगर एक चीज़ और है, 13 दिन अमोनियम सल्फेट आपके पास नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड आप नहीं दे सकते हैं, नहीं सक्षम है, बायोबीटा 10वां दिन दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आपको 10 दिन के बाद 2-3 दिन गैप करना है, और आपको 15 दिन मतलब 5 दिन लगभग छोड़ करके फिर से नेक्स्ट डे आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। यानी 1 महीने में आपको ये फीड आपको 10 दिन देना है, 10 दिन होल्ड करना है, और उसके बाद से फिर 10वां दिन देना है। इस चीज़ को आपको करना है, सावरिंग प्रॉपर करना है, बारिश होने के बाद ये फीड को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें थीं, और उम्मीद करते हैं कि किसी की आहत पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और दूसरा चीज़ ये है फ्रेंड्स कि एक यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग भी अच्छा करते हैं, मैं भी जो भी कुछ सीखा हूं आप ही लोग से सीखा हूं, सारे लोग एक माध्यम है, मैं भी एक माध्यम बन रहा हूं आपके बीच में। लेकिन उन लोग से निवेदन है कि कॉपी प्लीज़ ना करें, आप लोग अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, आप लोग को सलाम करते हैं। और दूसरा चीज़, आप लोग जो फीड बेचते हैं तो पेट के लिए कुछ भी करना हो तो आप लोग कीजिए, मैं उसके लिए रोक टोक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, गुलाब के साथ फ्रेंड्स राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं यही मेरा एक मोटो है, यही उद्देश्य है। सबको गुलाब पसंद है, गुलाब उगाएं, बेचारा गुलाब के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को केयर करूँगा, मेरे साथ जो हुआ है मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, इसके किसी के पास टाइम नहीं है ये सब सारी वीडियो देखने का। तो फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। चलते मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।